दोस्तों, हमारे चंद्रयान 2 ने बहुत ही बड़े बड़े कारनामे करके दिखा दिए हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी खोजें चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान 2 कर रहा है। सबसे महान खोजें जहां तक अभी तक नासा, जैक्सा और अनेक प्रकार की स्पेस एजेंसीज नहीं पहुंच पाई हैं, वहां पर हमारा चंद्रयान 2 लैंड हुआ था और उसी लैंडिंग के चलते क्रैश होने की खबर भी आई थी, लेकिन वो क्रैश होने की खबर संपूर्ण रूप से झूठी है और हमारा चंद्रयान 2 चंद्रमा पर ढेर सारी खोजें कर रहा है। क्या क्या खोजें हैं, किस प्रकार की जानकारियां चंद्रयान 2 ने एकत्रित की हैं, हमारा चंद्रयान 2 कहां पर है, किस हालत में है, किस प्रकार से काम कर रहा है, कौन कौन सा डाटा और वीडियोस भेजी हैं, वो सभी प्रकार की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल चालू कर लें ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि 22 जुलाई 2019 को हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था इसरो के श्रीहरिकोटा से। इसरो के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद ये 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के सरफेस पर पहुंच गया था हमारा चंद्रयान 2। और जैसे ही चंद्रयान 2 नज़दीक पहुंचा था तो इसके क्रैश होने की खबर आई थी और इसरो ने पूरी मीडिया में बता दिया था कि हमारा चंद्रयान 2 फिलहाल सिग्नल नहीं भेज रहा है। लेकिन दोस्तों, अचानक ही कुछ महीने पश्चात बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई और हमारा चंद्रयान 2 अचानक ही काम करने लगा। जैसे ही दोबारा सूर्य का प्रकाश चंद्रयान 2 पर पहुँचा तो हमारा चंद्रयान 2 अच्छी प्रकार से कार्य करने लग गया और अच्छी प्रकार से डाटा धनाधन भेजने लगा। इसरो के पास बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारियां चंद्रमा को लेकर, चंद्रमा के सरफेस को लेकर, बाहर की सतह, आंतरिक सतह और अनेक प्रकार के ऑर्बिटर्स की जानकारी भी चंद्रयान 2 हमारे इसरो को भेज रहा है। और इसी कारण से नासा, जैक्सा ने भी इसरो को बहुत ही बड़ी बड़ी बधाई दी है, क्योंकि इसरो के लिए नासा की जो सोच थी वो बहुत ही गलत थी। इसरो और नासा अभी सोशल मीडिया में और मीडिया में छाए हुए हैं। नासा और जैक्सा की जो सोच थी इसरो के प्रति वो बहुत ही गलत थी। वो इसरो के प्रति ऐसी सोच के लिए नासा और जैक्सा ने मीडिया में भी मान लिया है कि हम इसरो को कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन इसरो बहुत ही बड़ी स्पेस एजेंसी है और ये एक दिन नासा से आगे भी निकल सकती है अगर इसरो इसी प्रकार से कार्य करता है तो। और नासा और जैक्सा ने इसरो को बहुत सारी बधाइयाँ भी दी हैं चंद्रयान 2 की कामयाबी के लिए, क्योंकि चंद्रयान 2 के पास ऐसा डाटा है जो इसरो को बहुत ही बड़ी तरक्की दे सकता है और अब तक वो डाटा नासा और जैक्सा के पास भी बिल्कुल भी नहीं है। और आज तक की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने भी ये मान लिया है कि इसरो का अब तक कोई भी जवाब नहीं, क्योंकि चंद्रयान 2 इतने कम बजट में चंद्रमा पर भेजा है और चांद के उस सरफेस पर जाकर लैंड हुआ है जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, कोई भी स्पेस शटल या मिसाइल वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो इस कारण से रोस्कोस्मोस ने भी बहुत ही बड़ी बधाइयां दी हैं इसरो को, जो रशिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। और हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने भी इसरो की जमकर तारीफ की है और उनके साथ मिलकर चंद्रमा के अनेक आने वाले मिशंस में इसरो और कैनेडियन एजेंसीज साथ में काम करने वाली हैं। और इस प्रकार से जैक्सा और रोस्कोस्मोस भी इसरो के साथ मिलकर चंद्रमा के बहुत सारे मिशनों में कार्य करने वाले हैं भविष्य में। और अभी बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 की खोजों की। चंद्रयान 2 ने तेल के भंडारों की भी खोज की है कि पुराने समय में यहाँ पर तेल के भंडार हुआ करते थे और किस प्रकार से पेट्रोलियम यहाँ पर उपलब्ध है, वो भी इसरो ने बहुत ही बड़ी जानकारी मीडिया के सामने लाई है कि यहाँ पर ऑयल्स की एजेंसीज, यहाँ पर तेल के कुएं होने का भी इसरो ने दावा प्रकट किया है कि चंद्रमा की सतह के बहुत ही ज्यादा दूरी पर, लगभग 2500 मीटर की दूरी पर नीचे की ओर तेल के भंडार होने की बहुत ही बड़ी संभावना इसरो ने चंद्रयान 2 के प्रति जताई है। चंद्रयान 2 ने इन कुओं के लिए अपना सिग्नल भेजा और इन कुओं की तलाश की है और ढेर सारी गैसेस की भी चंद्रयान 2 ने खोजें की हैं। हीलियम, नियोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी गैसें भी चंद्रयान 2 ने इसरो के लिए खोजी हैं और संपूर्ण भारत के लिए खोजी हैं। इन गैसों के होने का दावा चंद्रमा पर 100% चंद्रयान 2 ने जताया है और चंद्रयान 2 ऐसे भी जगह तलाश कर रहा है जहां पर अनेक प्रकार की ऑक्सीजन की जगहें जो मानव जीवन के लिए आवश्यक होती हैं उनके लिए भी इसरो का चंद्रयान 2 बहुत ही जमकर तलाश कर रहा है। और इसरो के चंद्रयान 2 को ऐसी भी जगह मिली हैं जहां पर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में
होने का दावा प्रकट किया है। लगभग हजारों किलोमीटर के जगह में ऑक्सीजन होने की संभावना बहुत ही बड़ी प्रकट की है चंद्रयान 2 ने, और चंद्रयान 2 ने बहुत ही बड़ी सभ्यताएं भी खोजी हैं चंद्रमा की सतह पर। नीचे की ओर चंद्रमा की सतह से लगभग 1000 मीटर नीचे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताएं भी यहां पर मिलने की बहुत ही बड़ी संभावना है। चंद्रयान 2 का सिग्नल जैसे ही 1000 मीटर नीचे की ओर चंद्रमा की सतह से पहुंचा तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताएं होने की बहुत ही बड़ी संभावना मिली है। यहां पर शहर के शहर चंद्रमा की सतह के नीचे दफन है और उनका राज क्या है वो कोई भी किसी भी प्रकार से कुछ नहीं जानता है। तो इस प्रकार से चंद्रयान 2 ने हड़प्पा और सिंधु घाटी जैसी सभ्यताएं चांद पर होने की भी बड़ी संभावना प्रकट की है, और अनेक प्रकार की धातुएं भी चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 को मिली हैं। सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज जैसी धातुएं तो चंद्रमा पर हैं ही, ये तो सभी जानते हैं। नासा और जैक्सा ने भी ये मान लिया है कि ये सभी प्रकार की धातुएं चंद्रमा पर हैं। 100 किलोमीटर की सतह के नीचे ये सभी प्रकार की धातुएं मिलने का दावा सभी ने प्रकट किया है और सभी ने ये मान भी लिया है। नासा भी इस प्रकार की सभी खोजें कर चुका है कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन सी धातुएं हैं, लेकिन चंद्रयान 2 ने इससे भी बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। चंद्रयान 2 ने यह भी खोज लिया है कि चंद्रमा पर टाइटेनियम, आर्गन 40, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसी भी धातुएं चंद्रमा पर बहुत ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। सोने जैसी धातु भी अगर चंद्रमा पर उपलब्ध है तो चंद्रयान 2 ने ये बहुत ही बड़ी खोज की है, और इसी कारण से नासा भी चंद्रमा की सतह पर जो चंद्रयान 2 है उससे कांपने लगा है। चंद्रयान 2 बहुत ही बड़ी बड़ी खोजें कर रहा है, तो आप प्लीज़ आप जय हिंद का कमेंट अवश्य ही कीजिएगा चंद्रयान 2 के लिए। चंद्रयान 2 हमारे लिए बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें भी खोज रहा है। जैसे ही चंद्रयान 2 ने अपनी सिग्नल चंद्रमा की सतह के नीचे भेजी, वैसे ही चंद्रयान 2 ने पता लगाया कि चंद्रमा की सतह पर आग्नेय की चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं और ग्रेनाइट की चट्टानें भी उपलब्ध हैं, और इसके अलावा अनेक प्रकार की कायांतरित बलुआ, चूना और मैग्मा की चट्टानें भी चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर भारी मात्रा में होने का दावा किया है। और चंद्रयान 2 की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनके द्वारा यूज किए जाने वाले हथियारों का भी चंद्रयान 2 ने पता लगाया है। चंद्रमा की सतह पर अनेक प्रकार के बारूद और परमाणु रसायन वेपन्स भी होने का दावा किया है। चांद पर पाई गई सभ्यताओं के अनुसार अनेक प्रकार के रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जाने का भी पता चला है, और अनेक प्रकार के प्राचीन जीव जिस प्रकार से डायनासोर हमारी धरती पर थे उसी प्रकार से चंद्रमा की सतह पर भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राचीन काल में जीव थे। उनकी खुदाई तो चंद्रयान 2 नहीं कर सका, लेकिन सिग्नल भेजकर उनके कंकाल इत्यादि का पता अवश्य ही चल गया। जिस प्रकार से डायनासोर टीरेक्स, ट्राइनोसोरस, ऑप्टोसोरस और स्पाइनोसोरस जैसे जीव भी चंद्रमान 2 ने चंद्रमा की सतह पर नीचे की ओर होने का दावा प्रकट किया है, और इसी प्रकार से एलियंस होने की खबर भी चंद्रयान 2 ने पता लगाई है कि चंद्रमा की सतह पर एलियंस आए हैं या नहीं आए हैं वो सभी प्रकार के डाटा एकत्रित हमारा चंद्रयान 2 कर रहा है और इसरो को भेज रहा है। एलियंस को लेकर भी बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारियां एकत्रित की हैं। एलियंस के होने का भी दावा है कि प्राचीन काल में एलियंस चंद्रमा की सतह पर अवश्य ही आते थे, और इस प्रकार से चंद्रमा की सतह पर सभी प्रकार के जीव इसी कारण से मिल रहे हैं। एलियंस के होने का दावा पृथ्वी पर भी बहुत ही प्राचीन काल से किया जा रहा है, और एलियंस होने का दावा अभी भी किया जा रहा है, लेकिन चंद्रमा की सतह पर 100% एलियंस हैं ये चंद्रयान 2 ने साबित कर दिया है अनेक प्रकार की खोजें करके जो प्राचीन काल में असंभव थी। चंद्रमा की सतह के नीचे इतने राज दफन हैं कि वो इंसानी सभ्यता के बिना बिल्कुल भी नहीं संभव है, तो किसी न किसी सभ्यता के कारण ही चंद्रमा की सतह के नीचे इतनी वस्तुएं आई हैं। जिस प्रकार से रामायण और महाभारत काल की चीज़ें हमारी सतह पर पृथ्वी के नीचे मिल रही हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा की सतह पर भी इस प्रकार की अनेकों चीज़ें चंद्रमा की सतह के नीचे चंद्रयान 2 को मिल रही हैं। तो इस प्रकार से चंद्रयान 2 अनेक प्रकार का डाटा एकत्रित कर रहा है और पृथ्वी पर हमारे इसरो को भेज रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत ही बड़ी खबर ये भी है कि हमारा चंद्रयान 2 पृथ्वी पर किसी भी देश पर किसी भी प्रकार से किसी भी शहर पर
नज़र रख सकता है। वह किसी भी प्रकार से कोई भी डाटा हिडन नहीं कर रहा है और इसरो को सभी प्रकार का डाटा भेज रहा है। चीन के बारे में भी पूरी जानकारी ले रहा है चंद्रयान 2, और चीन ने कहां कहां पर हथियार छिपाए हैं, किस प्रकार से वो उनका इस्तेमाल कर रहा है, सभी प्रकार की जानकारियां चंद्रयान 2 एकत्रित कर रहा है और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को भेज रहा है। तो इस प्रकार से चंद्रयान 2 के लिए इसरो ने बहुत ही बड़ी सफलताएँ एकत्रित की हैं और इन सफलताओं के कारण ही चंद्रयान 2 विश्व भर में छा गया है। अनेक प्रकार की चीनी वेबसाइट्स और चीनी ऐप्स पे भी चंद्रयान 2 नजर बनाए हुए हैं और सभी प्रकार के हैकर्स तो चीन की करतूतों के कारण भारत को नुकसान कर रहे हैं, उन सभी पर चंद्रयान 2 नजर रखे हुए है। तो चीन के किसी भी प्लान में और किसी भी गलत मंसूबे में हमारा चंद्रयान 2 उसको कामयाब नहीं होने दे सकता। तो इसी कारण से भारत चीन से आगे निकल रहा है और पूरा डाटा चंद्रयान 2 इसरो को भेज रहा है। तो हमारे चंद्रयान 2 ने बहुत ही बड़े बड़े कमाल करके दिखा दिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा चंद्रयान 2 विश्व भर में छा गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसरो पहुंचकर स्वयं इसरो को बधाइयां दी हैं और सभी प्रकार का डाटा किसी को भी शेयर न करने को कहा है। तो आपकी इस विषय में क्या राय है कि क्या हमें चंद्रयान 2 का डाटा अन्य देशों के साथ शेयर करना चाहिए या उसको बहुत ही बड़ी कीमत पर हमें दे देना चाहिए किसी देश को, इस विषय में आप अपना कमेंट अवश्य ही लिखिएगा। या हमें बदले में किसी देश से कुछ और ले लेना चाहिए या परमाणु हथियार ले लेने चाहिए, उस विषय में आप अपना कमेंट अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट बहुत ही जरूरी है भारतीय जनता का और ये बहुत ही अहम फैसला भी है। तो आप प्लीज इस विषय में अपना कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। और दोस्तों, आपसे पीसफुली रिक्वेस्ट है चंद्रयान 2 के लिए एक जय हिंद का कमेंट अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 और इसरो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो प्लीज आप एक सेकंड का समय निकाल के जय हिंद का कमेंट अवश्य ही कीजिए हमारे देश के लिए। तो इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। और प्लीज इसरो, भारत और चंद्रयान 2 के लिए एक जय हिंद का कमेंट अवश्य कीजिएगा 2 सेकंड का समय निकालकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।